आपका आज स्वागत है। तो कल की 2898 एडी का एक और वीडियो जो है वो आउट हुआ है। टाइटल क्या है बताएंगे मौजम? टाइटल है फ्रॉम स्क्रैच एपिसोड 4 बिल्डिंग अ सुपरस्टार बुजी कल की 2898 एडी प्रोजेक्ट के। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है इस ट्रेलर में या इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Somewhere in the future. ए एवर आदि ना बॉडी एम आई पेंदी 2898 लो वन ऑफ द टफेस्ट मोस्ट एक्साइटिंग वेरी स्मार्ट क्यूट बुजी It already looks very complicated. Yeah. It's going to be very, very challenging to make this. Yes, it is challenging, but also it is super satisfying, you know. Costliest. Most complicated way. Hey, mellaga teeskelandi. Assale meeku brain ledu. Neekemo body ledu. Sachinoda. Actually banayya. Evaru bedle follow avatledu sir. No. Oh, sorry. Wrong person. He's not a vehicle for us. He's a superhero. Best companion. Parvar's best friend. Fast. Welding sari gachi. You're talking too much. I'm gonna make a michi pachi. Bajji kaadu, bujji. We didn't know how to make this vehicle. Every expert, every engineer, everyone we asked said this was impossible. Kanpiche demo naan kaadu. Kanpichukunda kanche demo neeku. Ammo, producer. ఇన్ని రోజులకి ఒక టైర్ చేశారా? దీనికి 48 కాదు 96 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ వాడితే బెటర్. నేను లేకపోతే మీరేమైపోతారా? హే, టూల్ కిట్ ఎక్కడ పెట్టా? డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ సర్వీస్ చేయించావా? ఇంకా కొంచెం ఇంకా నా లైఫ్ అంతే. బాడీ లేకుండా బ్రతికేయాల్సి వస్తుందేమో. బైర్వా ఇప్పుడు ఈ స్లో మోషన్ అవసరమా? తొందరగా వెళ్ళు, తొందరగా. ఐ వాంట్ టు సీ కార్. कल की मूवी जो है वो अनक्रीम ये भी जो है आने वाली है, लेकिन जो है जैसा ग्लिम्स जो है उसके थोड़े थोड़े जो है दिए जा रहे हैं। जैसे अभी जो है जो हमने ये ग्लिम्स ही आप कहेंगे एक तरह के देखे, उसमें जो है ना जितने भी लोगों की एक तो वो एक कोशिश और एक मेहनत वो तो दिखाई है, लेकिन AI का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है ना वो एक ह्यूमन बेस्ड इस्तेमाल जो है वो दिखाया जा रहा है बिल्कुल। और सीरियसली मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि जो बुज्जी बनाएगी, क्योंकि इसमें फ्रॉम स्क्रैच लिखा हुआ है एपिसोड 4 और बिल्डिंग अ सुपर स्टार बुजी, तो जिस तरीके से दिखाया गया तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि सच में प्रोग्रामिंग ऐसी की गई और एक ऐसा आप कह लो कि AI का आविष्कार हमें नजर आ रहा है एग्जैक्टली, या फिर ये डबिंग की गई थी, मुझे समझ नहीं आ पा रही। भाई साहब मुझे भी नहीं समझ लग रही, लेकिन जो है ना जिस तरह जो है वो सारा एक दिखाया गया ना, उसे तो यही फील हो रहा है कि नहीं भाई में डबिंग शबिंग कुछ नहीं किया गया। हाँ, इसमें बिल्कुल जो है ब्रेन ऐसा बना दिया गया जो कि बिल्कुल सही जो है वो सब कुछ दिखा रहा है एग्जैक्टली। सो बीच में जो मेकर्स हैं जो इस प्रोसेस में मतलब शामिल थे, और फिर बीच में एक व्हीकल का भी जिक्र किया गया कि इस तरह की जो है वो बनाई जाएगी, और दो लास्ट तक आते आते वो दिखाई नहीं गई, बट मुझे लग रहा दिखाया इस तरह गया कि भाई पता नहीं चला। हाँ, मतलब टायर्स वगैरह मुझे ऐसे नजर आए हैं ना, जो कि बहुत बड़े थे, टायर भी नजर से कैसी है वो नहीं पता चला। टायर और फ्रंट में थोड़ी सी लाइट्स की जो है ना उसकी लुक नजर आई है, बाकी जो है ना अगर एंड में बात करना तो वो कपड़ा जो है हमारे ऊपर फेंक के जो है ना तो बंद कर दिया गया, आपको मूवी में ही दिखाएंगे। लेकिन तुम ये देखो जो बुजी है उसको देखो, वो सबके साथ इंटरेक्ट भी कर रही है, सबके क्वेश्चन के आंसर भी दे रही है, फिर उसके साथ ये भी दिखाया कि लास्ट में जब आपको प्रभास सर नजर आते हैं तो वो उनके शोल्डर पे बैठी होती बिल्कुल। है अब बुजी मेल है या फीमेल है ये मुझे नहीं पता, ये तो बट ये है कि जो हम लोग को समझ आ रही है, और
कपड़ा वैसे मौसम थोड़ा सा उठाया है उन्होंने, लेकिन व्हीकल की समझ नहीं लग रही कि भाई व्हीकल कैसी है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ब्लैंक ही लग रही है, लेकिन अब जब लाजमी पता है ट्रेलर में या शायद हमें देखने को मिले या हमें मूवी में जो तो कंफर्म देखने को मिलेगा, लेकिन काफी मिस्टीरियस सी व्हीकल जो है वो दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ये इस तरह की व्हीकल होगी जिसे बुजी खुद कंट्रोल करेगा। आई डोंट नो, लेकिन मैं ये बात कहूंगी समझ में कल्की में हम लोगों को एआई का काफी ज्यादा इस्तेमाल जो है वो होता हुआ नजर आएगा। ये फ्यूचर की है ना, आज कोई कितने सालों के बाद की जो है 800 साल के बाद की मूवी बनाई है। और फिर उसके बाद अगर बात करें, मुझे लगता है कि इसमें देखो कितने ज्यादा जो आपको इंजीनियर्स हैं वो मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन नजर आती है, लोकल और इंटरनेशनल। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं ये बात बोलूंगी कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में तो जो आपके लाइक बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मे बी उनकी वो भी लोग भी असिस्ट करते हो, क्योंकि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ना। जरूर बताइएगा, मुझे नहीं आईडिया। हाँ, मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है। और इंडियन इंस्टीट्यूशंस को अगर हम लोग देखें तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बच्चे बनाते हैं जो कि मतलब बहुत फ्यूचरिस्टिक आपको लगते हैं। सो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं सोच रही हूँ कि जो फिल्म मेकर्स हैं मे बी वो उनकी भी हेल्प जो है वो लेते हो। एनीवे गाइस, बुज्जी जो है वो अब मुझे लगता है मजीद आने वाले टाइम में पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या रोल है और कैसे मतलब उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन मूवी में होने वाला है। आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा इसका रोल। और इसी के साथ हम जल्द मार्केट चालू करें।